दोस्तों कोई भी स्लाइड बनाने से पहले उसको ठीक से मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद से 5 to 7 माइक्रो का जो एक ड्रॉप होता है वो ड्रॉप लीजिए, और स्लाइड बनाने के लिए आपको 30 डिग्री एंगल पे स्लाइड बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपका स्पीड होता है ना वो शेप अच्छा आता है। ये देख लीजिए इसका शेप बहुत ही बढ़िया है। जब भी 30 डिग्री पे लेके आप स्पीड करोगे तो बहुत ही बढ़िया स्लाइड बनेगा। उसको ड्राई होने के बाद से अब हम इसको स्टैंड करेंगे। स्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम इस पर लिस्मन, जो हमारा लिस्मन स्टैंड होता है, उसको पूरी तरह से चेस मेयर को ढक देंगे। ढकने के बाद से हम उसको 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। 3 मिनट तक वो स्टैंड होगा। आफ्टर 3 मिनट बाद हम उस पर बफर सोल्यूशन डालेंगे, और बफर से पूरी तरह से फिर से उसको कवर कर देंगे और मिक्स कर देंगे बराबर, कि जो लिस्मन है हमारा पूरी तरह से मिक्स हो। और इसको 7 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं अभी कि हमारा स्लाइड स्टैंड हो गया है। अभी इसको अंडर टॉप वाटर या किसी भी बॉल में वाटर लेकर वहाँ से हम इसको वॉश कर सकते हैं हल्के हल्के, जैसे कि स्मेयर हमारा उड़े खराब, यानी उड़े ना ख़राब ना हो। देख सकते हैं स्टैंड हो गया। अब उसको पहले हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए ऐसे रख सकते हो तो भी हो जाएगा। मेरे पास ड्रायर है, हम ड्रायर के भी यहाँ पर रख देते हैं, और उसमें से हवा आता है और जल्दी से वो ड्राई हो जाता है। चलिए इसको भी माइक्रोस्कोप हम चेक करते हैं कि स्टैंड हमारा प्रॉपर हुआ है कि नहीं, या कैसे दिख रहा है जो हमारा स्टैंड हो। तो हम माइक्रोस्कोप पे रखेंगे इसको, फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद से चालू करेंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितने मस्त सेल दिख रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा स्टैंड है ये बहुत बढ़िया स्टैंड हुआ है, और ये लिस्मन स्टैंड किया जाता है ऐसे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।